हाय, मैं हूं नेचर भाई ऋषि और हमारे नए चैनल में आप सभी युवा भाइयों का स्वागत है। इस चैनल के जरिए आज से हम आपको एक सफ़र पर ले जाएंगे, एक फन फील्ड ज्ञान और दोस्ताने से भरे सफ़र पर, जहां मस्ती के साथ साथ हम कुछ जटिल समस्याओं के जवाब ढूंढेंगे और मिलके कुछ छोटे बड़े काम भी करेंगे, जिससे हमारे देश, समाज और खुद हमारा भी भला होगा। नेचर भाई एक प्लेटफॉर्म है युवा पुरुषों की ताकत को संगठित करके उसे प्रकृति के संरक्षण के लिए, समाज के निर्माण के लिए और स्वयं पुरुषों को मजबूत करने के लिए उपयोग करने का। नेचर के साथ पुरुषों का बहुत ही गहरा और प्राचीन संबंध है। यहाँ तक कि जैसे जैसे प्रकृति का पतन हो रहा है, वैसे वैसे ही पुरुषों और पौरुषत्व का भी पतन हो रहा है। और हमारा मानना है कि प्रकृति को बचाना न सिर्फ पौरुषत्व को बचाना है, बल्कि पुरुष ही प्रकृति को बचा सकता है। इन प्रोग्राम्स के जरिए हम प्रकृति और पुरुष के बीच इस गहरे संबंध को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला मुद्दा एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम जानते तो हैं, चिंता भी करते हैं, पर हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है, इसीलिए हम इसके साथ ही जीने पर मजबूर हैं। अगर देखा जाए तो एक तरह से हमारे जीवन की सभी समस्याएं आज इसीलिए पैदा हुई हैं क्योंकि हम इंसान प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। वो प्रकृति जो हमारे भीतर है और बाहर भी, और इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य और खुशियों पर गंभीर असर पड़ रहे हैं। प्रकृति हमसे अलग नहीं है, हम ही प्रकृति हैं, या ये कहें कि हम इसके ही एक भाग हैं। जो हमारे बाहर के वातावरण के साथ घटता है, उसका असर अंततः हम पर ही होता है। हालांकि क्योंकि आज हम एक कृत्रिम रूप से बनाए गए समाज में रहते हैं, ये कनेक्शन अक्सर बहुत इनडायरेक्ट या छुपा हुआ होता है और हर कोई इसे देख नहीं पाता। आज हम जो कुछ भी करते हैं, हम जोर जैसे खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, फन करते हैं, यहाँ तक कि हम जैसा सोचते हैं, ये सभी कुदरत के इतने खिलाफ होते हैं कि हमें और हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। हम में से बहुत से लोग इन खतरों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। युवावस्था में तो आमतौर पर हमारे पास जीवन को एंजॉय करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य होता है, पर इसके बाद लगभग सभी को युवावस्था के दौरान की गई अतियों की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि तब उनके शरीर लंबे समय से किए गए दुरुपयोगों के कारण धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां जो पहले के जमाने में नहीं होती थी घेरने लगती हैं। मगर उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से अब कम उम्र में ही लोगों में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, बच्चों में भी। सच तो यह है कि आज दुनिया में शायद ऐसा कोई भी नहीं है जिसके स्वास्थ्य पर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई असर ना पड़ा हो, चाहे उन्हें इनके असली कारण यानी एंटी नेचर लाइफस्टाइल का पता हो या ना हो। हमने अलग अलग लोगों से इस बारे में बात की, ये पता करने के लिए कि क्या वो इस समस्या के बारे में कभी सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो क्या, और वो इस समस्या से कैसे निपटते हैं। ये सच है कि बहुत से यंग और ओल्ड लोग इसे समस्या मानते ही नहीं, लेकिन हमने ये भी पाया कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग इस समस्या को लेकर चिंतित हैं, चाहे वो ये समझने में असमर्थ हैं कि इससे कैसे निपटा जाए, जैसा कि आप देखेंगे। Definitely getting affected. Besides that, the nature you're talking about, people who are growing up now don't even know what it is anymore, because you have your PlayStation inside to play, and you have your video games, and you have your TV to watch, and you have the internet. Nobody's climbing trees anymore. Nobody's really getting out and traveling anymore. Yes, ये बहुत बड़ा issue है, because मैं देखती हूँ ज़्यादातर प्रकृति के against जा रहे हैं लोग, पर इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैंने बहुत ध्यान दिया इस पे। आज ये बहुत बड़ा issue है, क्योंकि हम सब जगह chemical का use हो रहा है, फैक्ट्रियों में केमिकल यूज़ हो रहा है, सारा नदियों में जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यमुना कितनी पोल्यूटेड है, सर हर एक चीज़ में पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। भैया जिंदगी भर से खाते आ रहे हैं, कभी कुछ हुआ क्या? वही तो कह रहे थे, कहाँ वो मैगी वाले
बचपन से खा रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अब मुझे तो कोई केमिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एलोपैथी बहुत अच्छी लगती है। एक खाओ आधे घंटे में ही आराम आ जाता है। ये होम्योपैथी एलोपैथी पट्टी बांध के बैठे रहो अपने बस के लिए। दूध में केमिकल्स है होने दो, हम तो पीते। दाल में है होने दो, हम तो खाते। आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द पीपल, द वे माय लाइफ इज गोइंग। आई फील दैट वी आर अवे फ्रॉम नेचर, स्टार्टिंग फ्रॉम फूड, एयर व्हाट वी ब्रीथ एंड द पीपल, ऑल आर सिंथेटिक। आई थिंक इट इज हार्मिंग आवर हेल्थ, इट विल हार्म आवर जनरेशंस, विल रियली फेस प्रॉब्लम्स अहेड। आई एम रियली कंसर्न, आई वांट टू मेक द चेंज। यस, आई एम कंसर्न कि दिस इज हार्मफुल फॉर अस एज वेल एज आवर बॉडी, बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट। यस, आई फील कंसर्न कि ये हमें नुकसान करता है। या रेडिएशन की बात करें तो हर कोई आजकल क्या मोबाइल यूज़ कर रहा है, छोटा बच्चे भी देखें तो वो भी इसको ऐसे लेके घूम रहा है जैसे कि वो ये उसके लिए एंटरटेनमेंट चीज़ हो, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रही है वो उसके लिए कितनी हार्मफुल। तो बहुत है, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स, पर ये डिपेंड करता है कि हम कितना उस चीज़ के बारे में जानते हैं। मतलब अभी इतना ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत सोचा है कि जैसे हम ये सब चीज़ें इनको अवॉइड करने की कोशिश करें, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ पीते हैं जैसे वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बट स्टिल जैसे पीयर प्रेशर होता है या फ्रेंड तो करना पड़ता है ऐसे ये सब चीज़। I'm 21 and I have just graduated college. We spent a lot of time having our coke and having everything filled with pesticides and everything, and there reaches an age where you're trying to take more care of yourself. So I've stopped completely. I've stopped coke and any fizzy drink completely. I'm trying to eat better rather than picking up a packet of chips, eat something better, but not more than that. Hopefully I'll get more later. I have made changes in my life. I have started gym, I walk, I do not use cars, I do not drink alcohol, I do not smoke. So these are the healthy habits which I have inculcated in me. I try to eat more of fruits, vegetables. I do not eat more processed foods, and that's what I want to make people aware of, and I want them to be more near to the nature, so that they can enjoy their life, they can live healthy and they can live long. Aajkal kya hai ki bahut se log hai jo jinko awareness nahi hai is cheez ke bare mein, aur baat kare to substitute ki, to isse related koi substitute mein jisse wo bach sake, isse koi dhang se अवेयर करने वाला अभी तक कोई ऐसे हुआ नहीं जिससे हमें अवेयर हो जी हमारी हेल्थ हजार्डेबल है या फिर इसके ऑल्टरनेट हम ये यूज़ करें, सब्सिट्यूट यूज़ करें। प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि अब हम इन चीज़ों पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि अब हमें समझ ही नहीं आता कि और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचा। जैसे हमारे कार्स हैं, अब जब हम जैसे कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो हम इधर से उधर कैसे जाएंगे। और जैसे मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन कम यूज़ कर सकते हैं। घर पर टेलीफोन का यूज़ ज़्यादा करो, लेकिन अगर बाहर जाते तो टेलीफोन तो कैरी कर नहीं सकते, तो मोबाइल फ़ोन ही कैरी करना पड़ेगा, बट फिर वही इफेक्ट पड़ जाते हैं उनके हार्मफुल। इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम अननेचुरल टू नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स आर नॉट अवेलेबल टू यू इजीली। मोर इजीली अवेलेबल इज प्रोसेस्ड फूड, अननेचुरल पीपल, अननेचुरल एयर, द पोल्यूटेड एयर व्हाट वी ब्रीथ। सो यू हैव टू मेक दिस मूव एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द हेल्दी हैबिट्स। सो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट चीप टू गेट फ्रूट्स, बट इट इज़ चीप टू गेट मोमोज और बर्गर्स। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट द ऑल्टरनेटिव्स, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। But if you choose that you have to move it, you can do it. और ये समस्या का सबसे मुश्किल भाग है। लोगों के पास अगर अवेयरनेस आ भी जाती है थोड़ी बहुत ही सही कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और उसके लिए सारे प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य को तबाह कर रहे हैं, फिर भी लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि समस्या से कैसे निपटा जाए। वो उस रैट रेस में फंसे हैं जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और जो उनके पास बिल्कुल भी टाइम या एनर्जी नहीं छोड़ता इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचने या करने के लिए, और समस्या और बढ़ती ही जाती है हमारे शरीर और आत्मा को तबाह करते हुए। ये बात सच है कि ये चीजें ऐसी नहीं हैं जिनका हल सरकारें या बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस जो हमारे समाज को कंट्रोल करती हैं वो हमें निकाल के देती हैं। ये कोई हमें स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाता कि कैसे कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाए। पहले के जमाने में जब गुरुकुल होते थे तब की बात और थी, हमारे बड़े बूढ़ों ने भी हमें ये चीजें नहीं दिखाई हैं क्योंकि वो स्वयं प्रकृति से दूर हो चुके हैं। आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली भी सिर्फ आपको दुनिया भर की नुकसानदायक दवाएं देना चाहती है, पर उन दवाओं से आपके शरीर पर होने वाले दीर्घकालीन नुकसान की वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, जो लोग जागरूक हैं और उनके पास जाने का कष्ट करते हैं
उनके लिए वो सभी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स और योगी हैं जो आपको उन प्राचीन परंपराओं के बारे में बताते हैं जो सुनने में तो बहुत अद्भुत लगते हैं पर आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उन चीजों को आज के आधुनिक जीवन में कैसे ढाला जाए। और आज की आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा और योग के सेंटर शहरों में न सिर्फ मुश्किल से मिलते हैं पर साथ साथ बहुत ही महंगे भी होते हैं। प्रकृति के साथ फिर से जुड़ना हमें इतना महंगा नहीं पड़ना चाहिए। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे हमें एक आम आदमी को खुद ही तोड़ना होगा। पर इसकी शुरुआत कौन करेगा? इसके लिए जरूरत है त्याग करने की और खतरे उठाने की। कुछ लोगों को रैट रेस छोड़कर अपना कीमती समय और ताकत इन समस्याओं का हल खोजने में लगाना पड़ेगा। ऐसे हल खोजने में जो कि प्रैक्टिकल होने के साथ साथ कार्य कुशल और किफायती भी हों। और तब बाकी लोग भी इन खोजे गए समाधानों का अपने जीवन में अनुसरण कर पाएंगे ताकि वो भी प्रकृति से जुड़ पाए अपने उन्हीं शहरों में रहते हुए और उसी रैट रेस में भागते दौड़ते हुए जहाँ तक संभव हो। यहाँ नेचर भाई में दुनिया भर में मौजूद कुछ अन्य लोगों की तरह हमने भी अपने जीवन के कुछ कीमती साल रैट रेस से निकलकर इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगाए हैं। ये ढूंढने में लगाए हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं और उन समस्याओं का प्रकृति के पास क्या समाधान है। हमारा एक सपना है शहर के बीच रहते हुए अपना एक छोटा सा ओएसिस बनाना जहां हम प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा तालमेल बना के रह सकें और अपने अप्राकृतिक वातावरण की वजह से उपजे तमाम जहर को अपने शरीर दिमाग और आत्मा से निष्कासित कर सकें। ये सभी समाधान हमें प्रकृति के पास वापस ले जाते हैं। इस चैनल के द्वारा हम ये सारी जानकारी आपके साथ बांटना चाहते हैं ताकि हम सब मिलकर अपने लिए एक ज्यादा प्राकृतिक दुनिया का निर्माण कर पाएं। हमें आशा है कि हम आधुनिक जीवन शैलियों के खतरों के बारे में जागरूकता फैला पाएंगे और आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके अंदर प्राकृतिक जीवन के प्रति एक प्रखर रुचि जागृत कर पाएंगे और जो पहले से रुचि रखते हैं उनकी मदद कर पाएंगे प्रकृति से वापस जुड़ने के रास्ते ढूंढने में। और आप में से जिन जिन लोगों ने पहले से अपने जीवन में इसे करने के छोटे बड़े रास्ते ढूंढ लिए हैं हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप उन रास्तों को हम सब से हमारे प्रोग्राम्स के जरिए शेयर करें। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने वीडियोज या जानकारी हमें भेजिए और हम उन्हें अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। हम ये भी चाहते हैं कि भविष्य में हम नेचर भाइयों का एक नेटवर्क तैयार करें क्योंकि आज की दुनिया में प्रकृति से वापस जुड़ने के लिए हमें बहुत से मॉरल और सामाजिक सपोर्ट की ज़रूरत होगी क्योंकि एक ऐसे समाज में जो प्रकृति के बेहद खिलाफ है इतनी प्राकृतिक जीवन शैली सिर्फ अपने बलबूते पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। पर हम आपसे वादा करते हैं कि ये सारी मेहनत बहुत ही फलदायक होगी हमारे समूचे स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए जिसमें हमारी शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल हैं। और साथ ही प्रकृति से वापस जुड़ना मौज और मस्ती से भरा होगा इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रकृति के पास वापस जाने के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए।